हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बॉटल होल्डर, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। आप देख के ही पता कर सकते हैं ये कितना इजी है बनाना और उतना ही खूबसूरत। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस प्यारे से सुंदर से बॉटल होल्डर को बनाना। और ये वूल ऐसी है कि आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसका अपने आप ही इफेक्ट आ रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे, उसके बाद हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया करा है और उसके बाद जो हमारे पास होल बना उसमें हम 3 चेन बनाकर होल में क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर 15 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी 1 लीटर बॉटल का होल्डर है, तो उसमें हम बेस के लिए 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर ये 15 डबल क्रोशे बनाएंगे, बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करेंगे। उसी होल में हमने ये टोटल 15 डबल क्रोशे बनाए हैं। ये देखिए, ये स्लिप स्टिच से मैंने जॉइन कर लिया है। अब हम हाइट देने के लिए ये 2 चेन बनाकर उसी होल में हम क्रोशिया डालकर फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी हमने डबल क्रोशे बनाए, यानी कि 15 डबल क्रोशे बनाए हैं, तो हर एक डबल क्रोशे के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि टोटल हमारे यहाँ पर 15 के डबल 30 डबल क्रोशे हो जाएंगे। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करनी है और फिर स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट रो होगी उसमें हम एक छोड़कर और एक में तो एक ही डबल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट में 2, फिर 1, 2, इस तरह करके हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वाला रो जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है आपका सिंगल क्रो, एक 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो ये रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है, 1 डबल क्रोशे, फिर उसी में फिर एक और डबल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे के ऊपर फिर 2 डबल क्रोशे, इस तरह से आपको लेना है। ये अभी हम अपना बॉटल का बेस तैयार कर रहे हैं और बॉटल का बेस तैयार, इसके बाद हमारा बॉटल का बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको हाइट पर काम करेंगे। बॉटल की जो हाइट है उस पर काम करेंगे, उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे, इस तरह से हम बनाएंगे। तो हमारे इंक्रीज करते करते हमारे ये हो जाएंगे 60 डबल क्रोशी। देखिए, ये हो गए हैं हमारे पूरे, ये बेस बिल्कुल हमारा तैयार है और देखिए यहाँ पे कहीं भी झोल नहीं है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पथ है। अब उसके बाद हम 1 डबल क्रोशे के ऊपर 1 डबल क्रोशे ही बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर अब हमें फंदे इंक्रीज नहीं करने हैं। हम एक भी फंदा या एक भी डबल क्रोशे हम इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक
हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। और ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ टोटल हमको 3 राउंड करने हैं। एक ये हमारा हो गया और उसके बाद 2 और बनाकर ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ से ये हमारे थे 5 रूप जो हमने 4 कंप्लीट करे इंक्रीज वाले, और उसके बाद है 3 हमारे प्लेन। देखिए इसकी कटोरी की शेप आ गई, यानी कि उसका बॉटल का बेस हमारा तैयार हो गया। अब हम डालेंगे यहाँ पर अपना डिज़ाइन। तो उसके लिए हमने एक चेन बनाई और फिर उसी होल में हमने एक डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन, 1, 2, और यहाँ पर हम नीचे भी 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट पे हम फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करके थर्ड में हम फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और थर्ड में हम 2 स्किप करेंगे पहले, और फिर थर्ड में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 चेन, 2 स्किप और थर्ड में डबल क्रोशे। इस तरह से ये हम पूरा डिज़ाइन सेट करेंगे। पूरी हमारा जब रो कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा डिज़ाइन हमारा सेट हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा सेट हो जाएगा और सेट होने के बाद फिर तो बहुत आसान है। हमें डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाना है और जो चेन वाला हिस्सा है वहाँ पर चेन ही बनानी है। इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट रोज बनाते चले जाएंगे। ये पूरा इस तरह से कंप्लीट करेंगे ये यहाँ तक आकर, और फिर देखिए ये यहाँ तक आके फिर मैंने एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशे बनाकर और फिर नेक्स्ट राउंड अपना शुरू करा। नेक्स्ट राउंड में देखिए ये चेन बन गई। अब डबल क्रोशे के बिल्कुल ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बनाते बनाते करीब मैंने यहाँ पर 20-21 राउंड्स करे हैं, यानी कि बॉटल की पूरी लेंथ में बिल्कुल इसी तरह से ही डिज़ाइन डाला है। बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस तरह से डिज़ाइन बनाकर मैंने फिर 2 रोज डबल क्रोशे की बनाई है, यानी चेन वाले हिस्से में मैंने 2 डबल क्रोशे बनाए जैसे कि हमने 2 स्किप करे थे बिल्कुल उसी तरह, और जो डबल क्रोशे वाला हिस्सा है उसमें 1 डबल क्रोशे बनाया जैसे हम डिज़ाइन में भी बना रहे हैं। तो इस तरह से ये करते करते ये हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। पूरा डिज़ाइन ये पूरा तैयार होने के बाद फिर हमने 2 रो कंप्लीट करी अपनी डबल क्रोशे की, और उसके बाद हमने वहाँ पर एक हैंडल बनाया है एक छोटा सा। और वो हैंडल देखिए यहाँ पर हमने 5 फंदों का बनाया है। तो 5 डबल क्रोशे बनाकर और उनको फिर रिपीट करके रो जितनी हमें लेंथ रखनी है उतनी रखकर फिर उसे स्लिप स्टिच से दूसरे साइड पर जॉइन कर दिया। तो ये हमारे पूरा बॉटल कवर तैयार हो गया। आपको ये पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।